हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल के एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताने वाले हैं। इससे पहले वीडियो में हमने आपको एसएससी जीडी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी के लिए बताया था, और अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप ज़रूर उसे देख लें। उसके बाद एससी एसटी और ओबीसी के लिए जो हमने आपसे कहा था कि सफिशेंट नंबर ऑफ कमेंट होने पे मैं ज़रूर बनाऊंगा, तो वो वीडियो मैं आपके पास इसमें लेके आ रहा हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। तो अप्रॉक्स 55,000 के पास वैकेंसीज हैं, आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम अलग अलग स्टेट्स यानी कि कुल आपको 29 और 7 केंद्र शासित राज्य, इन सभी को मिला के हम मेल फीमेल में ओबीसी एससी और एसटी का कट ऑफ जानेंगे। फिर से अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तो आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, उसमें आपको जनरल कैटेगरी के लिए पूरा डिटेल में वीडियो मिल जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं मणिपुर से। तो मणिपुर में ओबीसी के लिए मेल कैटेगरी को 39 संभावना है और फीमेल को 37 से, और वहीं एससी में मेल कैटेगरी को 38 से भी जाए, मेल के लिए वहां पे वैकेंसी नहीं है। एसटी की बात करें तो एसटी के लिए 35 से 40 के बीच, फीमेल के लिए वहां पे 39 से 44 के बीच जाने की संभावना है। मणिपुर महाराष्ट्र में 50 से 55 के बीच, अगर हम शेड्यूल कास्ट एससी की बात करें तो 48 से 53 के बीच मेल्स का और 39 से 44 फीमेल्स का, और अगर हम एसटी की बात करें तो 48 मेल और 39 से 44 फीमेल। यहाँ पे एससी और एसटी का जो कट ऑफ है वो क्लोज रहने वाला है। मध्य प्रदेश में ओबीसी 65 से 70 मेल्स के लिए और 55 से 60 फीमेल्स के लिए, एससी में 58 से 63 मेल के लिए, 49 से 54 फीमेल के लिए, और एसटी कैटेगरी में 55 से 60 मेल के लिए और 50 से 55 फीमेल के लिए जाएगा। इसके बाद हम लक्षद्वीप देख लेते हैं। तो लक्षद्वीप में कोई वैकेंसी नहीं है, वहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए कुछ वैकेंसीज थी, वो भी जनरल में मेल्स के लिए ही थी, बाकी ओबीसी एससी और एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। उसके बाद हम केरला देखेंगे। तो केरला में ओबीसी मेल्स के लिए 35 से 41 और फीमेल के लिए 33 से 38 के बीच है, वहीं एससी मेल्स के लिए 34 से 39 और फीमेल्स के लिए 33 से 38 जाएगा। और वहीं एसटी की बात करें तो एसटी में 33 से 38 मेल्स के लिए और उतना ही फीमेल्स के लिए जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कर्नाटका। तो कर्नाटका में ओबीसी मेल्स के लिए 36 से 41 और फीमेल्स के लिए 34 से 39, एससी की बात करें तो एससी में मेल्स के लिए 34 से 39 और फीमेल्स के लिए 33 से 38 जा सकता है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 39 से 44 और मेल्स के लिए और फीमेल के लिए 33 से 38। दोस्तों, आपको बहुत जगह के कट ऑफ हो सकता है सेम दिख रहे हो, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है और क्लोज रहते हैं। तो एक वीडियो हमने पहले भी बनाया था जो जिसमें हमने आपको फिजिकल पास करने के लिए, जो पहला एग्ज़ाम होता है फिजिकल में क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, तो उसमें हमने अलग अलग स्टेट्स को एक जगह कंबाइंड करके जहाँ के मार्क्स इक्वल होते हैं उसका एक वीडियो बनाया था। तो अगर आप उसे भी देख सकते हो, उसमें हमने बताया था कि किस किस राज्य के कट ऑफ समा आस पास रहते हैं, यानी कि 5 से 7 नंबर के बीच में ही वहाँ का कट ऑफ होता है। तो इसीलिए अगर आपको किसी दो राज्य का कट ऑफ अगर इक्वल दिखता है, समान दिखता है, तो उसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे कट ऑफ इक्वल रह जाता है, 1 या 2 नंबर का फर्क होता है। तो आपको ये समझ लेना है, और अगर आप अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप हमारा वो वीडियो देख सकते हैं, उसका भी लिंक आपको ऊपर में मिल जाएगा। उसके बाद हम झारखंड देख लेते हैं, कर्नाटक के बाद। तो झारखंड में ओबीसी के लिए मेल और मेल के लिए ओबीसी मेल के लिए 59 से 64 और फीमेल्स के लिए 46 से 51,
और एससी के लिए मेल्स के लिए 40 से 45 और फीमेल्स के लिए 34 से 39। और वहीं अगर करें तो एसटी के लिए 53 से 58 और फीमेल्स के लिए 49 से 54 जा सकता है। झारखंड के बाद दोस्तों, झारखंड में एक और बात आपको ध्यान देने की बात यह है कि झारखंड जो है ये एक नक्सलाइड एरिया इसमें ज़्यादा है। इस बार जो यानी कि पिछले बार भी और इस बार भी एसएससी जीडी जो अपना कट ऑफ निकालता है तो ये अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह से निकालता है। जैसे कि झारखंड में, झारखंड नक्सलाइज एरिया है तो यहाँ का कट ऑफ उस बेसिस पे भी निकाला जाता है। जिस जिस राज्य में नक्सलाइड है तो उसके जो जिले नक्सल प्रभावित हैं वहाँ का कट ऑफ कम निकाला जाता है। वहीं पे कुछ कुछ ऐसे ज़िले भी हैं जो बॉर्डर से लगते हैं, जैसे कि कुछ पाकिस्तान बॉर्डर से लगते हैं, कुछ चाइना बॉर्डर से लगते हैं, तो उन जिलों का भी कट ऑफ कम निकलता है जो जिले बॉर्डर से या नक्सलाइट जोन से प्रभावित होते हैं। तो अगर आप भी उस जिले से संबंधित हैं, आप भी उस राज्य से संबंधित हैं जहाँ पे या तो नक्सलाइजेशन ज़्यादा है या फिर वो बॉर्डर से कनेक्टेड है, तो वहाँ का कट ऑफ आपको कम जाएगा। तो अगर आप उसके लिए भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करें। अगर सफिशेंट नंबर ऑफ कमेंट रहेंगे तो मैं वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। झारखंड के बाद हम जम्मू कश्मीर देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में ओबीसी मेल्स के लिए 34 से 39 जाएगा और फीमेल्स के लिए भी 34 से 39 जाने की संभावना है। एससी की बात करें तो एससी में मेल्स 40 से 45 और फीमेल्स 33 से 38 जा सकता है। और वहीं एसटी की बात करें तो एसटी में मेल्स 35 से 40 और फीमेल 33 से 38 जाएगा। हिमाचल प्रदेश को देखें तो हिमाचल प्रदेश में ओबीसी मेल्स के लिए 60 से 65 और फीमेल्स के लिए 58 से 63 जा सकता है। और एससी की बात करें तो एससी में मेल्स के लिए 59 से 64 और फीमेल्स के लिए 56 से 61। और वहीं हम बात करें एसटी कैटेगरी की तो एसटी में मेल्स के लिए 59 से 64 और फीमेल्स के लिए 55 से 60 जाएगा। दोस्तों, हमने इस बार के जो पिछले बार के जो कट ऑफ गए थे, साथ ही साथ इस बार जो वैकेंसीज आई हैं उसको देखते हुए ये कट ऑफ बनाया गया है। तो इस पे आप रिलाई कर सकते हैं कि कट ऑफ इसी के आसपास होने वाला है। मध्य प्रदेश के बाद हम हिमाचल प्रदेश के बाद हम देखेंगे हरियाणा। तो हरियाणा में ओबीसी के लिए हरियाणा एक बहुत ही एक डेंजर जोन रहा है स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे कट ऑफ हमेशा हाई होता है। क्योंकि हरियाणा में जो भी डिफेंस जॉब होते हैं वहाँ के सभी युवाओं का क्रेज होता है डिफेंस, तो ये वहाँ पे कट ऑफ आपको हाई दिखने को मिलेगा। तो मेल्स के लिए वहाँ पे ओबीसी में 76 से 81 और फीमेल्स के लिए ओबीसी में 67 से 72 के बीच जाएगा। और एससी की बात करें तो एससी में 70 से 75 मेल और फीमेल्स के लिए 65। और एसटी के लिए यहाँ पे सीटें नहीं हैं, तो जो भी व्यक्ति एसटी में जिन्होंने भरा होगा उन्हें या तो वहाँ पे नया वहाँ पे सीट फिर रिजर्व कर किया जा सकता है। फिलहाल अभी तक नहीं बताया गया है कि सीट वहाँ पे नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज वहाँ पे रहीं तो वहाँ से फिर कुछ सीटें कट करके या फिर ऐड करके वहाँ पे एसटी में ऐड करवाई जाएंगी, या फिर उनको जो भी एसटी कैटेगरी का है उनका कट ऑफ जनरल के लेवल पे लिया जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। हम गुजरात देख लेते हैं, हरियाणा के बाद। तो गुजरात में ओबीसी जो मेल्स हैं उनका कट ऑफ 41 से 46 जा सकता है और फीमेल्स हैं उनका कट ऑफ 34 से 39 जा सकता है। और एससी की बात करें तो एससी में मेल्स 40 से 45 और फीमेल्स 34 से 39। और वहीं हम एसटी की बात करें तो एसटी 39 से 44 और फीमेल एसटी की 35 से 40 जा सकता है। नेक्स्ट हम गोवा देखेंगे। तो गोवा में यहाँ पे सिर्फ आपको ओबीसी मेल का ही कट ऑफ पता चलेगा, 35 से 40 के बीच जाएगा और बाकी यहाँ पे इसके बारे में जानकारी देना मुश्किल है, क्योंकि पिछली बार भी वहाँ पे जो एससी एसटी और फीमेल में ओबीसी एससी एसटी है इसके लिए वहाँ पे सीटें नहीं रखी गई थी। तो इस बार क्या है नहीं है ये आपको कुछ समय के बाद जब एक और नोटिफिकेशन आता है गोवा में सीटें डाली गई हैं या नहीं डाली गई हैं इस पे पता चलेगा कुछ समय के बाद। नेक्स्ट हम दिल्ली देख लेते हैं। दिल्ली में मेल ओबीसी के लिए 63 से 68 और फीमेल के लिए 54 से 59 कट ऑफ जा सकता है। और वहीं एससी के लिए मेल 61 से 66 और
फीमेल 53 से 58 जा सकता है। एसटी की बात करें तो एसटी में दिल्ली में मेल्स को 57 से 62 के बीच लाना पड़ सकता है और फीमेल्स को 50 से 55 के बीच लाना पड़ सकता है। नेक्स्ट हम दमन और दीव देखेंगे तो गोवा के तरह ही दमन और दीव का भी हाल है। यहाँ पे भी सिर्फ मेल्स के लिए ही सीटें यहाँ पे रखी गई हैं, वो भी ओबीसी और यूआर के लिए। आप हमारे एक वीडियो को फॉलो कर सकते हैं कि अगर आप एससी और एसटी हैं तो आपको वहाँ का यूआर कट ऑफ पता होना चाहिए। अगर आप वहाँ पे जनरल हैं, अगर आपने एससी में फॉर्म भरा है या एसटी में फॉर्म भरा है तो आप जनरल बच्चों से कॉम्पीट करने के लिए तैयार रहें। तो इसीलिए मैं आपको फिर से कहूँगा कि आप हमारे उस वीडियो को देख लें, आपको फ़ायदा होगा। और वहाँ पे अगर ओबीसी की बात करें दमन और दीव में तो यहाँ पे 39 से 44 के बीच आपको कट ऑफ जा सकता है ओबीसी मेल्स के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे दादरा और नगर हवेली। तो यहाँ पे सिर्फ एसटी के लिए सीटें रखी गई हैं, एसटी मेल्स के लिए, और बाकी जो भी सीटें बाकी जो भी कैटेगरी के होंगे उन्हें जनरल पे फाइट करना होगा। तो आप इसके लिए हमारे उस वीडियो को प्रीफर कर सकते हैं। और एसटी मेल्स के लिए यहाँ पे 36 से 41 कट ऑफ जाने की संभावना है। नेक्स्ट हम चंडीगढ़ देखेंगे तो चंडीगढ़ में मेल्स के लिए 48 से 53 ओबीसी और फीमेल्स के लिए 48 से ही 53 ओबीसी में जाने की संभावना है। और एससी में 43 से 48 के बीच और फीमेल्स के लिए 45 से 50 के बीच जा सकता है। और एसटी में मेल्स के लिए सीट नहीं है और फीमेल्स को 47 से 52 के बीच जा सकता है। दोस्तों मैं फिर से आपको बता दूं कि अगर आप उस राज्य से बिलोंग करते हैं जहां पे आपके कैटेगरी में सीट नहीं है तो आपको जनरल से कॉम्पीट करना होगा। तो इसके लिए आप हमारे जनरल का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाला वीडियो है वो ज़रूर देख लें। आपको इस वीडियो के एंड में भी वो वीडियो उसका एक लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसे लिंक पे देख सकते हैं या फिर आप ऊपर में आपको एक आई बटन दिखेगा आप उस पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये तीन ऑप्शंस हैं इस तरह से आपको देख अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप उसे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हम छत्तीसगढ़ देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में ओबीसी मेल्स के लिए 52 से 57 कट ऑफ जा सकता है और फीमेल्स के लिए 50 से 55 जा सकता है। एससी के लिए मेल्स 43 से 48 जा सकता है और फीमेल्स 46 से 51 जा सकता है। एसटी के लिए 48 से 53 फीमेल और मेल दोनों का ही हो सकता है। कहीं कहीं आपको मेल्स और फीमेल्स का कट ऑफ में बहुत अंतर दिख सकता है कि फीमेल्स ज़्यादा हैं, तो ऐसा पिछली बार भी हुआ था, वहाँ पे ज़्यादा रहा था क्योंकि वहाँ पे फीमेल्स के लिए सीटें बहुत ज़्यादा कम थी और मेल्स के लिए ज़्यादा थी। तो जहाँ पे कम सीटों पे ज़्यादा फाइट होता है वहाँ पे कट ऑफ ऑटोमेटिक है कि वो ऊपर जाएगा ही जाएगा। नेक्स्ट हम बिहार देखते हैं। बिहार भी एक बहुत ही हाई डेफिनेशन रहा है, मतलब कि एक यहाँ पे आपको किसी भी चीज़ का कट ऑफ हमेशा अप रहता है, बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ओबीसी के लिए यहाँ पे जो मेल का कट ऑफ है वो 74 से 79 के बीच जा सकता है और फीमेल्स के लिए 51 से 56 जा सकता है। वहीं एससी की बात करें तो 60 से 65 और फीमेल्स के लिए 35 से 40 जा सकता है और एसटी के लिए 70 से 75 और फीमेल्स के लिए एसटी 70 से 75 मेल्स के लिए है और फीमेल्स के लिए 52 से 58 जा सकता है। बिहार के बाद हम असम देखेंगे तो असम में ओबीसी मेल्स के लिए 40 से 45 और ओबीसी फीमेल्स के लिए 35 से 40 जाएगा। और वहीं एससी की बात करें तो एससी मेल्स के लिए 39 से 44 और एससी फीमेल्स के लिए 34 से 39 जा सकता है। और एसटी की बात करें तो एसटी मेल्स के लिए 40 से 45 और एसटी फीमेल्स के लिए 33 से 38 जाएगा। अरुणाचल प्रदेश देख लेते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में ओबीसी मेल्स को क्वालिफाई करने के लिए मेडिकल में जाने के लिए 35 से 40 के बीच लाना होगा और फीमेल्स ओबीसी को 34 से 39 लाना पड़ सकता है। और एससी मेल एससी कैंडिडेट को देखें तो 34 से 39 के बीच और फीमेल एससी को देखें तो 33 से 38 के बीच लाना पड़ेगा। और वहीं अगर हम एसटी की बात करें तो मेल और फीमेल दोनों को ही 33 से 38 के बीच लाना पड़ेगा। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में ओबीसी मेल्स कैंडिडेट्स को 48 से 53 के बीच कट ऑफ लाना पड़ेगा और फीमेल्स को 37 से 42 के बीच कट ऑफ लाना पड़ेगा। और वहीं एससी मेल्स कैंडिडेट्स को 36 से 41 के बीच और एससी फीमेल्स को 35 से 41 के बीच लाना
पढ़ सकता है। और वहीं हम आंध्र प्रदेश के मेल एसटी कैंडिडेट्स की बात करें तो उसके लिए 43 से 48 के बीच, और फीमेल्स की बात करें एसटी कैंडिडेट्स के लिए तो 34 से 39 के बीच आएगा। दोस्तों ये जो कट ऑफ है, ये आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 48 से 43 क्यों बताया जा रहा है, एग्जैक्ट क्यों नहीं बताया जा रहा है। तो इसके लिए रीज़न ये है कि हर जो भी, जैसे कि अलग अलग इसमें डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि आपको CISF है, CRPF है, BSF, AR, SSB, तो ये सभी जो अलग अलग जो फोर्स हैं ये अपना कट ऑफ अलग निकालते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कट ऑफ वेरी कर सकता है। अब कोई मेल हो सकता है जो अपना प्रायोरिटी किसी और, जैसे कि उन्होंने प्रायोरिटी CRPF को ऊपर दिया हो या फिर BSF को ऊपर दिया हो और BSF का कट ऑफ हाई चला गया, तो इस कारण से हो सकता है कि उनका उसमें सिलेक्शन ना हो पाए सफिशिएंट नंबर ऑफ मार्क्स लाने के बाद भी। तो इसीलिए आपने जो भी अपने फॉर्म फिलअप करते समय प्रायोरिटीज़ भरी होंगी उस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। अगर आप चाहेंगे कि हम आपको हर फोर्स वाइज कट ऑफ कितना बनता है, कितना जाता है, वो भी जानकारी बताएं, तो आप कमेंट करें, सफिशेंट नंबर ऑफ कमेंट रहने पे हम आपके लिए वो प्रोवाइड कर देंगे। आंध्र प्रदेश के बाद अंडमान निकोबार देख लेते हैं। तो अंडमान निकोबार में भी OBC मेल्स के लिए सीटें हैं, बाकी जो भी सीटें बच जा रही हैं उस पे आपको जनरल कैटेगरी से फाइट करना होगा। तो OBC मेल्स के लिए 37 से 42 कट ऑफ जाएगा। उसके बाद हम उत्तराखंड देख लेते हैं। तो उत्तराखंड में OBC मेल्स के लिए 64 से 69 और फीमेल्स के लिए 55 से 60 और SC मेल्स के लिए 61 से 66 और फीमेल्स के लिए 49 से 54। वहीं ST मेल्स के लिए 65 से 70 और फीमेल ST के लिए 54 से 59। उत्तर प्रदेश में देखें तो उत्तर प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा नंबर्स ऑफ वैकेंसीज रहती हैं, लेकिन ये ज़िला भी बहुत बड़ा है, यहाँ की आबादी सबसे ज़्यादा है, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए यहाँ पे कट ऑफ हाई होता है। तो OBC मेल्स के लिए 74 से 79 के बीच और OBC फीमेल्स के लिए 62 से 67 के बीच जाएगा। और SC मेल्स की बात करें तो 66 से 71 और फीमेल्स का 55 से 60 के बीच जा सकता है। वहीं ST की बात करें तो ST में मेल्स के लिए 68 से 73 और फीमेल्स के लिए 53 से 58 जा सकता है। नेक्स्ट हम त्रिपुरा देख लेते हैं। तो त्रिपुरा में OBC मेल्स के लिए 42 से 47 जाएगा, SC मेल्स के लिए 38 से 43 और फीमेल्स के लिए 33 से 38 और ST मेल्स के लिए 34 से 39 और फीमेल्स के लिए 33 से 38 कट ऑफ जा सकता है। त्रिपुरा के बाद हम तेलंगाना देख लेते हैं। तो तेलंगाना में ओबीसी मेल्स के लिए 41 से 46 जा सकता है, SC मेल्स के लिए 38 से 43 और SC फीमेल्स के लिए 33 से 38 और ST मेल्स के लिए 34 से 39 और ST फीमेल्स के लिए 33 से 38 जाने की संभावना है। और उसके बाद हम सिक्किम देख लेते हैं। तो सिक्किम में OBC मेल्स के लिए 33 से 38 और ST मेल्स के लिए 33 से 38 कट ऑफ जाएगी। उसके बाद हम राजस्थान देखेंगे। तो राजस्थान हमारे भारत का सबसे बड़ा ज़िला है एरिया वाइज, तो यहाँ पे भी कट ऑफ ज़्यादा बनने के चांसेस रहते हैं। तो राजस्थान में OBC मेल्स के लिए 75 से 80 के बीच कट ऑफ जाएगा, फीमेल्स के लिए 65 से 70 के बीच, SC मेल्स के लिए 69 से 74 के बीच और फीमेल्स के लिए 55 से 60 के बीच, ST के लिए 58 से 73 के बीच और ST मेल्स के लिए 68 से 73 के बीच और फीमेल्स के लिए 54 से 59 के बीच कट ऑफ जाएगा। और पंजाब देख लेते हैं। तो पंजाब में OBC मेल्स के लिए 49 से 54 और फीमेल्स के लिए 48 से 53 जा सकता है और SC के लिए 48 से 53 और 49 से 54 जा सकता है मेल और फीमेल के लिए। पंजाब के बाद हम पुद्दुचेरी देख लेते हैं। तो पुद्दुचेरी में मेल्स के लिए OBC 33 से 38 और फीमेल्स के लिए 33 से 38 और SC मेल्स के लिए भी 33 से 38 के बीच ही कट ऑफ बनने वाला है। पुद्दुचेरी के बाद हम उड़ीसा देखेंगे। तो उड़ीसा में मेल्स OBC के लिए 44 से 49 और फीमेल OBC के लिए 38 से 43 बन सकता है, SC के लिए मेल्स SC के लिए 34 से 39 और फीमेल SC के लिए भी 34 से 39 बन सकता है और ST के लिए
एसटी के लिए, मेल एसटी के लिए 40 से 45 और फीमेल एसटी के लिए 38 से 43 के बीच बन सकता है। उड़ीसा के बाद हम नागालैंड देख लेते हैं, तो नागालैंड में ओबीसी मेल्स के लिए 33 से 38, एससी मेल्स के लिए 33 से 38, एसटी और मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए 33 से 38 के बीच ही कट ऑफ बनेगा। मिजोरम देख लेते हैं, तो मिजोरम में भी जितने भी कैटेगरीज हैं आपको 33 से 38 के बीच ही कट ऑफ दिखेगा। मेघालय में देखें तो मेघालय में नॉर्थ ईस्ट के ज़्यादातर जो रीजन है वहाँ पे आपको कट ऑफ सेम ही दिखेगा, यानी कि सेवन सिस्टर्स जो हैं, तो इसीलिए आपको 33 से 38 हर जगह पे दिख रहा है। कहीं कहीं थोड़ा सा 1 या 2 मार्क्स फीमेल्स का अब चला जाता है मेल्स के मुकाबले, लेकिन कट ऑफ यही रहने वाला है। उसके बाद हम तमिलनाडु देखेंगे, तो तमिलनाडु में मेल्स के लिए 34 से 39 और फीमेल्स के लिए 33 से 38, एससी के लिए 33 से 38 और एसटी के लिए मेल्स फीमेल्स के लिए 33 से 38 ही कट ऑफ बनने वाला है। और वेस्ट बंगाल देखते हैं, तो वेस्ट बंगाल में मेल्स के लिए 46 से 51, ओबीसी के लिए फीमेल्स के लिए जो है वो 37 से 42, एससी मेल्स के लिए 45 से 50 और फीमेल्स के लिए 37 से 42 जाएगा। और वहीं एसटी की बात करें तो एसटी मेल्स के लिए 45 से 50 और फीमेल्स के लिए 39 से 44 मार्क्स जा सकता है। तो ये हो गया टोटल आपको 29 और 7, 36 राज्यों के कट ऑफ कितने कितने बन सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अगर आपको बॉर्डर या फिर नक्सलाइट जोन्स का भी कट ऑफ चाहिए तो आप बता सकते हैं। उसके अलावा आपको अगर फोर्स वाइज कट ऑफ चाहिए तो आप वो भी कमेंट करें, हम आपके लिए जल्द से जल्द वो प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपने अगर जनरल कैटेगरी का वीडियो मिस कर दिया था तो आप उसे देख लें, आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के एंड में और ऊपर आई बटन पे क्लिक करके मिल जाएगा, तो कहीं से भी आप देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएँ। साथ ही साथ अगर आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम है तो आप वो भी कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, हर जगह ये वीडियो को फैला दें। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।